एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक शीतलपुर में स्थित बागवाला गांव पहुंचा। यह गांव ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान नीरज तोमर हैं। लगभग 9000 की आबादी व 4700 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गाँव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में गाँव के 200 परिवार राशन कार्ड से वंचित है। साथ ही गाँव में 100 विधवा पेंशन, 125 वृद्धा पेंशन व 35 विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 137 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 35 हैंडपंप, 70 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व 30 सोलर लाइट भी गाँव में लगी हुई है। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गाँव में 5 सीसी टाइल्स रोड, 9 खडंजे, चक रोड, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 26 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में खडंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, खेल का मैदान, अम्बेडकर पार्क, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत बागवाला का ग्राम प्रधान पति हूँ विनोद तोमर। मेरा गांव बागवाला है, विकासखंड शीतलपुर, जनपद एटा से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ 2 साल में विकास कार्य कराए हैं, इनमें से लगभग 7-8 तो गलियाँ हैं जिसमें इंटरलॉक, सीसी प्लस सोलर लाइटें लगाई है मैंने, लगभग 30-35 लगाई हैं। स्ट्रीट लाइट लगाई है, सारे गांव में विद्युतीकरण कराया है। 2 गांव में बिजली का मैंने वायरिंग वगैरह कराई है और अभी भी समय कार्य चल रहा है। लगभग 200 के लगभग शौचालय बन चुके हैं मेरे यहाँ। बाकी अभी यहाँ मेरे यहाँ विकास की काफ़ी ज़रूरत है। लगभग 25-30 साल से मेरे यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। पहली बार मैंने यहाँ से विकास कार्य किया है और बाकी पब्लिक भी यहाँ सराहना कर रही है मेरी। और बाकी का लगभग यहाँ मेन काम कुछ हमारे यहाँ है, उसमें सबसे बड़ा काम है ये नाला है। नाला पर बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारी जनता को निकलने बैठने की, बरसात में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। वहाँ एक पुलिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लस वहाँ सड़क भी निकलवानी है और खरंजा बनवाना है। बाकी मैंने एक नगला ODF करवा दिया, नगला ODF करा दिया है, टोटल सड़क वगैरह टोटल कर दिया है। एक नगला बुढ़िया रह गया, उस पर केवल सड़क कर दी है। और अभी भी जो हमारे कार्य चल रहे हैं वो आज हम अपनी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं 18-19 की। जो भी कार्य शेष है वो भी कार्य पूरे कराने की कोशिश कर रहे हैं।